दोस्तों, आज जो हम यहाँ पर बैठे हैं वो आपसे जोड़ों के दर्द की जो समस्या है उसको साझा करने के लिए बैठे हैं कि क्या जोड़ों के दर्द में क्या क्या समस्याएं होती हैं, किन किन कारणों से होता है और किस प्रकार से इसको ठीक किया जा सकता है, और इसके जो परहेज हैं वो क्या क्या होते हैं, और जो ये हमने जो दवाई तैयार करी है वो किस प्रकार से उस पर काम करती है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो जोड़ों पर किस प्रकार से काम करती है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इस मेडिसिन के बारे में। तो इस मेडिसिन के अंदर हमने जो पहले भी आपको बताया था कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अर्जुना है, गार्लिक है, हर्ड है, अखरोट है, त्रिकुट है, सौंठ है, अश्वगंधा है, मेथी है, हल्दी है, देसी गाय का घी है और बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सारी वही चीज़ें हैं जो जॉइंट्स को फ्लेक्सिबल बनाने का काम करती हैं, मसल्स को फ्लेक्सिबल बनाने का काम भी करती हैं, और जैसे जॉइंट्स के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है, विटामिन डी की कमी हो जाती है, उन कमियों को पूरा करने का काम करती है, मिनरल्स का काम करती है। साथ में हमारे जॉइंट्स के बीच में एक तरल पदार्थ वाली थैली होती है जो कि चिकनाहट प्रदान करती है हमारे जॉइंट्स को और मूव करने में मदद करती है, ईजिली मूव हो जाते हैं, घर्षण नहीं होता है जॉइंट्स के अंदर, तो उसको बनाने का काम ये। सबसे पहले जानते हैं कि जो जोड़ हैं हमारे वो कौन कौन से हैं और किस किस प्रकार से दर्द बनता है। गर्दन से हमारे जोड़ शुरू हो जाते हैं तो वहाँ से ये दर्द जो है बनना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले सर्वाइकल आ जाता है, कंधे का दर्द होता है, कोहनी का दर्द होता है, कई बार कलाई में दर्द बन जाता है, जो हमारी उंगलियां हैं इनकी गांठों में दर्द बनना शुरू हो जाता है, कमर में दर्द हो जाता है, उंगली में दर्द हो जाता है, इसके अलावा घुटने में दर्द होता है और हमारे एंकल में यानी कि पैर के टखने में भी दर्द हो जाता है। ये सारे अलग अलग प्रकार के जो जॉइंट्स हैं हमारे, इनमें सभी प्रकार की समस्याएं बन जाती हैं। अब इसमें जो बीमारी है वो किस किस कारण से बनती है, एक वात रोग बिगड़ने के कारण बनती है, एक पित्त की जो बॉडी के अंदर जो अधिकता हो जाती है उसके कारण ये रोग बनना शुरू हो जाते हैं। तो वात रोग जब हो जाता है तो जॉइंट्स के अंदर गैप बनना शुरू हो जाता है और जो तरल पदार्थ है वो सूखना शुरू हो जाता है। तो ऐसा करने पर जो तरल पदार्थ है वो सूखना शुरू होगा, इसके बाद वहाँ गैप बनना शुरू होगा और जो जॉइंट्स हैं वो पास आना शुरू हो जाएंगे या फिर उनके अंदर गैप बन जाएगा, और जब वो मूव करेंगे तो घर्षण होगा और दर्द बनना जायज है। और जब हम मूव करते हैं, कई बार जब गैप खाली होता है तो उसके अंदर वायु तो घुसी हुई होती है, जब हम गैप को चलाते हैं तो जो वायु उसके अंदर घुसी होती है वो मसल्स में जाके टकराव करती है और मसल्स को फाड़ने का काम करती है, जिससे कि वहाँ दर्द बनता है, मसल्स जो है वो स्वेलिंग में तब्दील वहाँ हो जाती है और उनमें दर्द ज़्यादा बन जाता है। कई बार क्या है कि यूरिक एसिड हम जिसको बोलते हैं वो बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाता है और वो जॉइंट्स पर अटैक करना शुरू कर देता है। इन सभी प्रकार के दर्दों को दूर करने का काम हमारी ये मेडिसिन करती है। ये किस प्रकार से काम करती है कि ये बॉडी के अंदर जो सबसे पहले जो तरल पदार्थ वाली थैली होती है जो जॉइंट्स के अंदर मौजूद होती है उसको सूखने नहीं देती, क्योंकि अगर वो सूख जाएगी तो जॉइंट्स के अंदर घिसना शुरू हो जाएंगे और हड्डियों में कैल्शियम की कमी होना शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले वो, दूसरा नेचुरली कैल्शियम की कमी होना, यानी कि डाइट के अंदर हम अच्छे से कैल्शियम नहीं लेते हैं तो जॉइंट्स के जो अंदर कैल्शियम है वो घिसना शुरू हो जाता है। तीसरा क्या होता है कि विटामिन डी की कमी के कारण जॉइंट्स के अंदर दर्द बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि यही वो मेन पार्ट है जो कैल्शियम को लेकर हड्डियों तक पहुँचाने का काम करता है। यदि यही कम होता है तो कैल्शियम चाहे हम कितना ही ले लें डाइट के अंदर वो बॉडी तक नहीं लगेगा, तो उसकी चाहे कमी हो जाए, या फिर इसके बाद आती है मसल्स में कोई खिंचाव आ जाए या फिर वात रोग बन जाए या फिर यूरिक एसिड बन जाए, तो इन सभी प्रकार की एक्स वाई जेड जो समस्याएं हैं हमारी उनको ठीक करने का काम हमारी ये टैबलेट करती है। हमारी कैल्शियम भी बनाने का काम करेगी, विटामिन डी बनाने का काम करेगी, जॉइंट्स के बीच में लुब्रिकेंट बनाने का काम करेगी, जो गैप बन गया है कैल्शियम की कमी के कारण उस गैप को भरने का काम करेगी, तो हमारी सभी प्रकार की समस्या को ठीक करने का काम करेगी। वात बढ़ गई है तो उसको भी ठीक करेगी। इस मेडिसिन को लेना किस प्रकार से है और इसका हम किस प्रकार से इसके साथ साथ हमें परहेज करने हैं वो अब हम जान लेते हैं। तो ये जो मेडिसिन है सुबह हमें 2 गोली खाली पेट लेनी है गुनगुने पानी के साथ, और यदि ज़्यादा दर्द है तो इसको हम दिन में 2 बार ले सकते हैं, रात को सोने से 1/2 घंटा पहले और खाना खाने के 1 घंटे के बाद, जब भी हमें 2 गोली लेनी है गुनगुने पानी के साथ, और सुबह हम जैसे हम बता रहे हैं आपको या तो पानी से ले लें या फिर दूध से भी हम इसको ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ पानी से ही लेनी है, दूध से लेंगे तो और अच्छा काम करेगी। साथ में आप परहेज क्या, सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी ली कोई भी, तो उनसे हमें सबसे पहले परहेज करना है। दूसरा खट्टी दही हो गई, छाछ हो गई, चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई, इन चीज़ों से भी हमें परहेज करना है। ये भी जॉइंट्स के अंदर दर्द बनाने का काम करते हैं। इसके अलावा हमें और क्या बचाव करने हैं कि बादी की चीज़ें जैसे मटर है, गोभी है, जो दालें हैं रात को प्रयोग नहीं करनी है हमें, दालों का, दही का रात को प्रयोग नहीं करना है। यदि दही खाने का मन भी हो तो मीठी दही यूज़ करनी है दोपहर को 12 बजे से पहले। चाय का प्रयोग नहीं करना है, गैस बनाती है, राजमा है, चावल है, ये सारी चीज़ें यदि हम यूज़ कर भी रहे हैं, अगर हम नहीं रुक पा रहे हैं तो दिन में 12 बजे से पहले रात को कभी भी इनका हम यूज़ नहीं करेंगे। ये इसका परहेज था टोटल। और कभी भी यानी कि ठंडे पानी से स्नान नहीं करेंगे कुछ समय तक, जब तक हम मेडिसिन ले रहे हैं या फिर हमारे जॉइंट्स के अंदर दर्द है या मसल्स के अंदर खिंचाव बन गया है,
और कैसी भी अगर हमें समस्या जॉइंट्स की हो गई है, मैं आपको बता देता हूँ ये मिलेगी कहाँ। ये आपको पलवल में हमारे आउटलेट पे आके मिल जाएगी दवाई, या फिर आप अगर पलवल नहीं आ सकते हैं, हमसे बात नहीं कर सकते हैं, तो आप इसको ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी बैठे बैठे हमसे मंगा सकते हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी करके देंगे। और इसके अलावा यदि आप हमें मैसेज करना चाहते हैं या हमें कॉल करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, तो हम आपकी सारी समस्याएं सुनेंगे और आपको फिर उसके अनुसार हम आपको डाइट प्लान भी देंगे, आपको कुछ एक्सरसाइज बताएंगे, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम सिर्फ बैठे रहते हैं और खाना खाते रहते हैं, उसके कारण भी शरीर में दर्द बन जाता है, तो उसको भी हम ठीक करने के लिए एक्सरसाइज बताएंगे, डाइट बताएंगे, और इसको किस प्रकार से टैबलेट को लेना है ये भी हम बताएंगे। और आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें मैसेज करके इसको अपने पास हमसे मंगा सकते हैं। नमस्कार।